नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम मेनका हंडू है, आपकी दिदा। ये मेरा वाहिद तारुफ है और आज दिल की गहराइयों से मैं आप सबका अस्वन कशरजान के इस पहले एपिसोड में खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज गर्न में कहीं जबान नाराज, मैं सारनी जबान मजकोर में तो है इस्तकबाल। दपान कोर गई नूर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत दो छोटी बच्चियों के साथ करें। दोन कोरेंसित करो इस शुरुआत। तो हमारे साथ दो बहुत ही जहीन और प्यारी बच्चियां हैं, जिनका नाम है लारण्या रैना, जो पुणे में रहती हैं और कश्मीर से जुड़ रही हैं हमारे साथ ज़ाइना ज़ेवर। मुझे 5 मिनट का वक्त दें, मैं उनको ऐड करती हूँ इस सेशन में और आपको बताती चलूं सेशन के आखिर में आपके पास हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये लाइव सेशन है, एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो किसी भी भूल चूक के लिए मैं पहले माफी मांगती हूँ। और अगर पावर फेलियर की वजह से मेरा जो है कनेक्शन चला जाता है, मेरे बैकअप आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो प्लीज बने रहिए मुझसे, मेरे साथ पेशेंट रहिएगा और मैं फिर से लॉग इन करूंगी। लेकिन जो आप लोग घर बैठे हैं, दुआ कीजिए कि ऐसा ना हो, ठीक है। वक्त जाया किए बिना मैं बुलाती हूँ इन बच्चियों को, मुझे 5 सेकंड का वक्त दें। 1 सेकंड। एक सेकंड, जरा हम अपनी दूसरी बच्ची को भी बुलाते हैं। ओके, हमने अपनी दूसरी बच्ची को भी रिक्वेस्ट भेज दी है, वेट कर। अरे वाह भाई, कैसे हो बेटा? हम ठीक है, आवाज आ रही है? अरे हाँ जी। ना नमस्ते ना आदाब, ये क्या बात हुई? नमस्कार दीदा। नमस्कार आदाब दीदा मसी। हाय लारण्या बेटा। हाय। अरे वाह, देखो अभी तो हमने प्रोग्राम शुरू भी नहीं किया और इनकी देखो दोस्ती भी हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम है जान, जान का मतलब होता है जान पहचान। तो हम कोशिश करेंगे इन दो बच्चियों की आपस में जान पहचान हो जाए और हम भी इनको जानने की कोशिश करेंगे, इनकी मासूमियत से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जान है तो थोड़ा सा तारुफ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, है ना। हम शुरुआत करते हैं ज़ाइना से। नाम हम आपका जानते हैं, हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, ठीक है जी। जी, तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम ज़ाइना ज़ेवर है, मैं 9 प्लस हूँ। मेरे पापा जो हैं उनका नाम तौसीफ हबीब है और मेरी मम्मा अरफा तौसीफ। मेरे पापा जो हैं एक पुलिस ऑफिसर हैं और मेरी मम्मा शी इज ऑल्सो वर्किंग लेडी। तो मेरी हॉबीज मैं आपको बताती चलूँ। मेरी हॉबी में सबसे पहले पेंटिंग आती है। पेंटिंग इट्स वन ऑफ माय, मतलब आई लाइक इट अ लॉट। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पूरा कर लेते हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन पूरा कर लेते हैं, फिर हम आपके आज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। साइकिलिंग भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड जो ये क्ले पॉट्स होते हैं, जो ये जिनको जो पॉट्स होते हैं उनको मैं डेकोरेट भी करती हूँ खुद। अरे वाह, क्या बात है। चलो अब हम जानते हैं लारण्या से, उनको क्या अच्छा लगता है। हाँ जी बेटा। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम लारण्या रैना है, मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरी मम्मा का नाम है सुमिता रैना, मेरे पापा का नाम है राजेंद्र रैना। और मेरी हॉबीज है, मेरी हॉबीज है ड्राइंग करना, स्केच करना और गाना गाना। क्या बात है, गाना गाना भी अच्छा लगता है। चलिए हम आपसे गाना भी सुनेंगे और आपकी ड्राइंग भी देखेंगे, आपकी स्केच भी देखेंगे
और आगे बढ़े। और मैं जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताती चलूं कि ये दोनों बच्चे हैं हमारे बहुत प्यारे जहीन बच्चे, एक पूना में रहती हैं और एक कश्मीर से जुड़ी हैं हमारे साथ। और प्रोग्राम के आखिर में, इस सेशन के आखिर में हमारे पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा। और अगर लाइट चली गई तो मुझ पे माफी, लेकिन 5-10 मिनट में वापस लौट आऊंगी। दुआ कीजिए कि ऐसा हो ना। ठीक है। अब बहुत बहुत अहम सवाल आप दोनों बच्चों से, कि आपको कश्मीरी में बात करनी आती है, लारने हाँ आती जी, है बात करनी, जैना को कश्मीरी में बात करनी आती है, एक्चुअली मुझे समझ आती है? कश्मीरी बस समझ आती है, उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन ठीक है, समझती आ हूँ। भी जाएगी। इसमें क्या है, अगर समझ आती है तो फिर बोलनी भी आ जाएगी। लेकिन मैं आप दोनों को, छोटे बच्चे हैं, कश्मीरी बच्चे हैं और बहुत जहीन बच्चे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कश्मीरी सीखनी चाहिए। कश्मीरी हमारी जबान है, समझ ही नहीं आनी चाहिए, हमको बोलनी भी आनी चाहिए, है ना? चलो एक काम करते हैं, आप जैना आपको तो समझ आती है कश्मीरी, है ना? समझ हाँ समझ आती है। हाँ आती है, लारण्य कहती है उसको, बोलना भी आता है ना? तो जी, लारण्य थोड़ा ने बहुत। बताया कि उनको गाना गाना आता है हाँ ना? जी, ओके। तो बेटा कश्मीरी में कोई गाना सुना सकते हो आप? आन मारा। है ना? रेडी? रेडी? हाँ जी, चलो बेटा, ओके स्टार्ट। मलाल त्रेवित चिसा लिखना, मलाल त्रेवित चिसा लिखना, बप्याल मस्की बरैया लालो, खयाल चाइने ये दिल छु तोशन, खयाल चाइने ये दिल छु तोशन, बमाल पोषण करैया लालो, मलाल त्रेवित चिसा लिखना, बुकाल मस्की भरैया लालो। ब्रिलियंट, लवली। देखने वालों को भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे बहुत मजा आ रहा है इन दो प्यारी बच्चियों के साथ बात करके। मैंने आपसे अपने इनके इंट्रोडक्शन में भी लिखा था, दीज आर वेरी ब्रिलियंट गर्ल्स, बड़ी प्यारी बच्चियां हैं और बड़ी जहीन बच्चियां हैं। इन्होंने मुझसे इतने सवाल पूछे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। जिन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं होता था उसको मैं हंसी में टाल देती थी, मगर बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, इनकी मासूम शक्लों पे मत जाइए, बड़े तेज बच्चे हैं ये, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, है ना? हाँ जी, ओके अच्छा बेटा, आप लोगों को मालूम है ना कि आप दोनों बच्चे कश्मीरी हो, असल में आप कश्मीर से हो, है ना? आप कश्मीरी पंडित हो और आप कश्मीरी मुस्लिम हो, मालूम है ना आप लोगों को? अब जाहिर सी बात है, आप लोग अलग अलग जगह में रहते हो, दोनों बच्चे कश्मीर में नहीं रहते, एक बच्ची कश्मीर से बाहर है, एक बच्ची कश्मीर में रहती है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक दूसरे के कल्चर या ट्रेडिशंस के बारे में पता हो, है ना? नहीं, हो सकता है ना पता हो ना? लेकिन अब ये प्रोग्राम है जान, है ना, हमें करनी है जान पहचान एक दूसरे के साथ। अब आपको ये पता लग गया, ये बच्ची क्या बोलते हैं गाना गाती है, ये बच्ची ड्राइंग करती है, ये बच्ची एक अच्छी ओरेटर है ना? तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दूसरे के ट्रेडिशन के बारे में कुछ बात करें। कोई एक ट्रेडिशन के बारे में जैना बात कर ले जो लारण्या को पता लग जाएगा, किसी एक चीज के बारे में लारण्या बात करे जिससे जैना को पता लग जाएगा। ठीक है, सो लेट जैना स्टार्ट, है ना? ओके लारण्या, यस आई टेल यू अबाउट तहरी। हाँ तहरी यस, तो कॉमन ये है, जो नॉर्मल चावल पकते हैं सबके घर में, नॉर्मल चावल पकते हैं, बट अबाउट दिस समथिंग इज स्पेशल। हम इसमें दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, वन इज हल्दी, हल्दी एंड सेकेंड इज नमक, नमक फ्लेवर के लिए, और हल्दी टू टू गिव इट येलो कलर। मैं आपको बताती चलो, इसके पीछे कुछ बिलीव्स है कि हम ये बनाते क्यों हैं। अच्छा तो चलो, फर्स्ट बिलीव इज, जब जो ये जो फार्मर्स होते हैं, जब वो राइस को सो करते हैं, राइस,
वो इसी दाहरी को बनाते हैं एंड इस होप में कि उनकी उनकी ये फसल जो है इस बार वो अच्छी उगेगी. और एंड देन दे डोनेटेड विद एवरी पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी लोग रास्ते चल रहे होते हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड सेकेंड बिलीफ इज, अगर आप चाहते हैं कि योर एनी विश शुड बी फुलफिल्ड, देन वी मेक इट एंड देन अगेन डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग ऑल पीपल. ऐसे हम सोचते हैं कि इंशाल्लाह 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 हमारी ये विश पूरी हो जाएगी. एंड द थर्ड बिलीफ इज कि मतलब अगर कुछ गुड न्यूज आती है घर में तो हम ये बनाते हैं और डोनेट करते हैं एज अ टोकन ऑफ थैंक्स टू ऑलमाइटी. तो ये बिलीफ है इसके पीछे. ब्रिलियंट, सो नाइसली एक्सप्लेन्ड. लारण्या, आपको समझ आया वो किस बारे में बात कर रही है? हाँ जी, ये कश्मीरी पंडित भी बनाते हैं, है ना? बता हाँ जी. सकते वो दिन जिस दिन बनाते हैं कश्मीरी पंडित तहर? कश्मीरी बर्थडे. एग्जैक्टली. सो आई वुड लाइक टू टेल, आपको मालूम है कश्मीरी बर्थडेज क्यों होते हैं? हमारे कश्मीरी बर्थडेज भी क्यों होते हैं? आप जरा बताओ लारण्या को क्यों होते हैं. अच्छा, आपको तो पता ही नहीं, सॉरी मैंने. जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनके दो बर्थडेज होते हैं. एक तो रेगुलर बर्थडे जिस दिन वो पैदा हुए, जैसे मेरा 24 सितंबर को बर्थडे होता है, वो हुआ इंग्लिश बर्थडे. हमारे एक और बर्थडे होते हैं जिसे हम कश्मीरी बर्थडे कहते हैं, क्योंकि हम सब लोग जो कश्मीरी सारे हैं वो ल्यूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, मून को बहुत मानते हैं. तो उसके हिसाब से वो डेट हर साल ही रहती है. तो उस बर्थडे पे हम खसूसी तहर बनाते हैं, ठीक है? तो ये ट्रेडिशन हमारा बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है तहर बनाते हैं. और जैसा कि लारण्या जायना ने बोला कि कभी कभी हम ये थैंक्स करने के लिए, जो गॉड है उनको थैंक्स करने के लिए कि हमारी कोई विश फुलफिल हुई, ये हम भी करते हैं. तो ये सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम ही नहीं, कश्मीरी पंडित भी करते हैं. और ये तहर जो है वो हम सबको फिर बाद में बांटते हैं उसको. yes. मुसलमान लोग बोलते हैं तुबरुक, और जो कश्मीरी पंडित है वो बोलते हैं प्रसाद या नवीद, ठीक है? yes, yes. मैंने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है ये प्रसाद. नाम अलग है और बात एक ही है, ठीक है? हाँ. अच्छा जैना बेटा, हमने सुना तो पहले हम एक काम करते हैं. हम लारण्या बोल रही थी, मैं स्केच करती हूँ, तो आप जरा हमको अपना स्केच दिखाओगी कोई और उसके बारे में बताओगी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. दिखाइए. ब्यूटिफुल, वेरी गुड. और कोई स्केच है बेटा आपके पास? हाँ जी. दिखाओ. मुझे लगता है तुम लोग ना झूठ बोलते हो, तुम इतने छोटे हो नहीं. मुझे लगता है आपके पास कब छोटे हैं, आप इतने टैलेंटेड हो. आई हैव आल्सो मेड इट बट आई हैव कलर्ड इट फ्रॉम पेंसिल कलर्स. ये मैंने भी बनाया. ओह Brilliant. ये फरजाना गंज एकेडमी का एक यूट्यूब ट्यूटोरियल है. अच्छा, आपको पता है क्या बात है? यस, मैं बहुत सारी ड्राइंग्स कर चुकी हूँ उसमें. बट इतने स्मार्ट कैसे हो? अगर मैं आपके साथ रहना चालू करूँ, आपके साथ दोस्ती करूँ, तो मैं भी स्मार्ट हो जाऊंगी क्या आपकी तरह? Of course, I'm exciting. हो सकते हो. तो मतलब मुझे स्मार्ट, आपकी तरह स्मार्ट बनने के लिए आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा ना, फिर मुझे आपको और लाइंस में बुलाना पड़ेगा. चलो, बड़ा अच्छा सजेशन है, है ना? मैं और टाइम आपके साथ गुजारूंगी. बड़े स्मार्ट बच्चे हो आप वैसे. अच्छा बेटा, मुझे आप जैना आप कुछ ड्रॉइंग भी लाए थे. yes. कैन यू शो अस? सो यस, दिस इज, मैंने एक्चुअली बहुत ड्रॉइंग्स बनाई है, बट दिस वन मेरी ड्राइंग बुक का एक बहुत ज्यादा स्पेशल ड्राइंग है. नाइस, वेरी नाइस. लारण्या, लेट मी टेल यू कि जब आप यस बांदीपुरा श्रीनगर हाईवे पे जाते हो ना, वहां पे आपको एक व्यू दिखता है. देन मैंने मम्मा को बोला, मॉम आई वांट टू प्लीज आप मुझे इसकी फोटो खींच के दो. देन जब हम घर पहुंचे, देन आई थॉट कि चलो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ. देन एज यू कैन सी लारण्या, जो ये लेक है ना, ये वुलर लेक है. बांदीपुरा के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है कि जो एशिया का फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो बांदीपुरा में ही है, और उसको कहते हैं वुलर लेक.
और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ से कुछ माउंटेन्स है यहाँ पे मैंने बनाए हैं, एंड आई ट्राई टू मेक सम बुशेस एंड बुशेस एंड ट्रीज। एंड चलो, मैंने आपको रिवर का, लेक का बता दिया है। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं, जो हरमुख माउंटेन है वो भी बांडीपुरा में ही है। और जो ये हरमुख माउंटेन है, इसको कहा जाता है द फुट हिल ऑफ हिमालयाज। तो ये बांडीपुरा में है, तो ये दो चीजें बांडीपुरा के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है। क्या बात है, ब्रिलियंट। देखो भाई, तालियां। आप थैंक जो हमें यू। देख रहे और सुन रहे हैं, घर पे बैठ के तालियां बजाइए इन हमारी बच्चियों के लिए। इनको दुआएं भेजिए, इनको अपनी गुड विशेस भेजिए। हाय हाय हाय, चका चक मन छान। ये तो शर्मा गई हमारी लड़की। ओके लारण्या बेटा, आप और दोनों जैना और आप दोनों अपने अपने हिसाब से टैलेंटेड हैं। और एक बच्ची ड्राइंग करती है एक किस्म की, दूसरी बच्ची ड्राइंग करती है एक और किस्म की। एक बच्ची बहुत अच्छी आवाज की मालिक है और एक बच्ची जो है बहुत अच्छी ओरेटर है। क्योंकि आपने बात की आर्ट की, गाने गाना भी आर्ट में आता है, ड्राइंग भी आर्ट में आती है, स्केच भी आपके आर्ट में आती है। तो क्या आप कोई कश्मीरी सिंगर्स या कश्मीरी जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके बारे में जानते हो? कभी उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की है ताकि आप उनका काम सुन सको, देख सको और आप उससे सीख सको? नहीं मालूम। नो मैं नो आप दोनों लोग, दोनों बच्चे जो है, पहले ही आप बहुत स्मार्ट हो, आप इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हो और मुझे यकीन है कि आपको गूगल वगैरह पता है ना कैसे करते हैं गूगल। यस यस तो मैं आपको बताऊं, कुछ जो हमारे सिंगर्स हैं जो बहुत मीठी उनकी आवाज है, ठीक है, जैसे लारण्या बेटा आपको जैसे गाने का शौक है ना, आप इनके इनका सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना अभी तक। जैसे शमीम देव आजाद जी हैं, ठीक है, श्री विजय मल्ला जी हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल हैं, ठीक है, इन सब की आवाज बहुत बहुत सुरीली है, इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो आप, मैं चाहूंगी कि आप गूगल करें, इनके बारे में पढ़ें, ठीक है, और सीखें कि कैसे ये गाते हैं। अब आप पेंटर्स की बात करते हैं, हमारे कश्मीर के जो पेंटर्स हैं बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, जैसे लेट श्री बंसीलाल पारिमू जी, दीनानाथ वल्ली जी, गुलाम रसूल संतोष जी, मनोहर कौल जी। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वाबस्ता जो है हमारी जमीन से है, हमारे कश्मीर से है। और अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप अपने कल्चर, आपकी जो कि बहुत रिच है, हमारा कश्मीरी कल्चर जो है बहुत रिच है, उसके और नजदीक आएंगे, ठीक है? मेक सेंस? ब्रिलियंट। यस अच्छा जैना, हमने सुना था कि आप एक अच्छी ओरेटर हो, यस तो कुछ किसी चीज के बारे में बात करना चाहोगे? यस एक्चुअली मैंने एक रिलीज किया था, एक वीडियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। वो बहुत लंबा वीडियो था, तो उसमें एक पोएट्री का सेक्शन था, तो मैं आपको कुछ लाइन सुनाऊंगी। जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुमने कहा ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुमने कहा ठीक है, कानून किताबों में सही हमने कहा ठीक है, बेटी को बचाया भी बेटी को पढ़ाया भी, बेटी को बचाया भी बेटी को पढ़ाया भी, फूल जैसी उस कली को एक दिन सजाया भी, और तुमने उसके साथ क्या किया, घर भी नौकरी भी बच्चा भी, घर भी नौकरी भी बच्चा भी, सास ससुर मामा तेरा चच्चा भी, तेरी जिम्मेदारी सारी मेरी कैसे हो गई, तेरी जिम्मेदारी सारी मेरी कैसे हो गई, मेरी जिंदगानी प्यारी दबती गई दबती गई दबती गई, मेरा हर फैसला तेरा कैसे हो गया, मेरा हर फैसला तेरा कैसे हो गया, तेरा हर फैसला तेरा कैसे रह गया, क्या यही मतलब था तेरा मुझे आजाद करने का, क्या यही मतलब था तेरा मुझे आजाद करने का, मैं तो पहले बेहतर थी न जीने का न मरने का। हाँ आजकल तुम कहते हो बेटियों के पंख है, हाँ आजकल तुम कहते हो बेटियों के पंख है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे, न खुद में न तुम में, और मुझे चाहिए भी नहीं,
मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे रहने दो वैसे जैसे मेरी जात है। मैं कदावर हूं तुमसे ज्यादा, मैं औरत हूं बिनते हवा। अपनी नस्ल बढ़ा के तो दिखाओ मेरे बगैर, अपनी नस्ल बढ़ा के तो दिखाओ मेरे बगैर। अपना वजूद तसव्वुर तो करो मेरे बगैर। मैं हूं तो तुम हो, मैं हूं तो तुम हो, मैं नहीं ये जहां नहीं, मैं नहीं ये जहां नहीं, मैं नहीं ये जहां नहीं। थैंक यू। वाओ, है ना लारण्या? हाँ जी, ये तो ओके, मुझे भी नहीं हाँ आएगा, ये तो मुझे भी नहीं आएगा, इतना अच्छा है। बेटे, सबको एक्चुअली अपने हिसाब से आता है। एक सेकेंड, ये जो एक्चुअली बेटा मेरी हम मम्मा लारण्या पे ने मुझे आते सब हैं। कुछ सिखाया है। वेरी गुड लारण्या। आप बेटा, आप अपना कोई पंडित कल्चर के बारे में कुछ बताओ, ताकि जैना को भी पता लग जाए, है ना? कुछ पंडितों के बारे में आप कुछ बात करो, ताकि इनको भी पता लग जाए, ठीक है? ओके किस बारे में? ओके। जाइना और दिदा, आप लोगों को पता है ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे कि खाना पीना गाना और भी बहुत कुछ। मगर आज मैं तरगा और डेजोर के बारे में बोलूंगी। ओके, बहुत साल पहले तरगा ओल्ड लेडीज या कश्मीरी पंडित वुमन्स पहनती थी फेरन के साथ, और अभी वो ऐसा कोई कॉमन नहीं है। अभी बस कश्मीरी पंडित ब्राइड्स पहनती है। ओके, जब जब उनकी शादी होने वाली होती है, तब वो लगाती है तरगा तो वो और हेड एक तरह का सर पे लगा। हेड स्कार्फ ओके, और डेजोर। जब एक कश्मीरी पंडित डॉटर की, वो जब इन लॉज के पास जाती है, उसके पेरेंट्स एक छोटा सा ऑर्नामेंट देते हैं उससे, और वो संभाल के इन लॉज के पास ले जाती है, और इन लॉज तब उन उसे चेन देते हैं। फिर वो चेन और एक वो ऑर्नामेंट को एक साथ करती है और अपने कान में पहनती है। ठीक उसका मतलब होता है कि दो फैमिलीज एक साथ जुड़ गए हमेशा के लिए। नाइस, वेरी गुड। सो आज हमको लारण्या ने बताया, कश्मीरी जो अटायर है लेडीज का, तरगा जो है वो हेड गेयर है। पहले के जमाने में यस जो लेडीज होती थी वो रोज पहनती थी, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न जमाना आ गया है, लोग काम करते हैं तो यस रोज आप के ऑफिस नहीं जा सकते, तो जब लड़की की शादी हो जाती है, जब वो ब्राइड तो बनती है, वो तब बोलता पहनती है, ठीक है? और हमको लारण्या ने बताया डेजोर के बारे में। डेजोर एक कश्मीरी पंडित लेडी का ऑर्नामेंट है, जेवर है। वो कान में जैसे लंबे डांगलर्स पहनते हैं, चेन के साथ पहनते हैं, ठीक है? उसके एंड में वो बादाम जैसा एक होता है, उसका मतलब होता है लड़की की शादी हो गई है, ठीक है? वो मैरिड लेडीज पहनती हैं। गॉट इट? सो आज जैना ने लारण्या को सिखाया तहर क्यों बनाते हैं उसके बारे में, हाँ, और लारण्या ने जैना को बताया हेडगेयर के बारे में और कश्मीरी डेजोर के बारे में, कश्मीरी पंडित डेजोर के बारे में, ठीक है? अब थोड़े थोड़े नजदीक आ रहे हो आप, है ना? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है एक दूसरे का कल्चर, है ना? ब्रिलियंट। अच्छा बेटा लारण्या, आप कभी कश्मीर गए हो राजा? हाँ जी। मैं तब 1.5 साल की थी, मैं 2014 में गई थी। ओ माय गॉड, मैं बहुत पुराना है। बहुत पुरानी बात है। अच्छा हम एक काम करते हैं, तब तो आपको कुछ याद भी नहीं होगा। हम जायना से ना, क्योंकि जायना है वहां पे कश्मीर में, है ना, ये देखती है स्नो व्नो, हमको तो दिखता नहीं है यहाँ बैठ के, हम तो गर्मी में है ना। लेकिन हम इससे एक रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, जायना को बोलते हैं हमको कुछ दिखाओ अपना गार्डन, ताकि हम भी बैठे बैठे कश्मीर पहुंच जाएं। वेरी करोगे? नाइस, वेरी नाइस। ओके, आर यू रेडी? यस, यस, ओके, या वी आर वेट अ रेडी। सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल टेक यू। यस, वी आर हियर। सो आप ये देख सक रहे हो, जी, सो ये एक्चुअली हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है। द ओके, लीव्स हैव शेडेड एंड जैसा कि आप से देख सकते हैं कि स्नो भी थोड़ी मेल्ट होने लगी है। जी, एंड जो ये सारा का सारा एप्पल ऑर्चर्ड है, ये मेरे ग्रैंडफादर ने सारा ग्रो किया है खुद ही।
क्या बात है, हमको थोड़ा सा और एंड नाउ बताओ फिर गार्डन, थोड़ा सा और बताओ। यू आर गार्डन जहां पे हम खेलते हैं। हाँ जी, As you can see, यहाँ से ये क्या बहुत ज्यादा स्नो? स्नो है। इज दैट स्नो जैना? यस क्या बात है, देखो लारण्या, जैना ने आपको कैसी सैर कराई बैठे बैठे पूना में। आपके यस पास एंड देखो, आई विल शो यू वन मोर थिंग। दिस इज अ चेरी ट्री। ओके मार्च के एंड में इसपे बहुत सारी जूसी चेरीज आ जाएंगे। एंड क्या बात है, देयर इज आवर हेन कूप। हमारे पास 4 हेन्स है और एक कॉक है, हम उनको उधर ही रखते हैं। वेरी गुड। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम बैक इनसाइड, इट मस्ट बी कोल्ड। अंदर आइए फास्ट। ज्यादा सनी हो रहा है, मतलब ऐसे लगता है जैसे विंटर्स खत्म हो गए। हाँ ऐसा होगा, अभी अभी और ऐसा होगा, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेटा, मैं अब ये चूंकि हम हैं सारे कश्मीरी है ना, और हमको यस थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज के लिए करना पड़ेगा ना, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले तो देखने वालों को याद दिलाऊं हमारे साथ इस सेशन के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज है। और उससे पहले हम फटाफट एक कश्मीरी क्विज करते हैं, छोटा सा छोटा सा, ज्यादा ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? आप दोनों हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन दोनों पे है, एंड देन आई विल सी हु आंसर्स इट। ओके रेडी? रेडी? ब्रिलियंट। ओके जो सारे लोगों को अच्छा लगता है और व्हाइट कलर का होता है और हम बत्ते के साथ खाते हैं, वो लंच में भी डिनर में भी। यस, जो हम कश्मीरी लोग हैं, सारे कश्मीरी लोगों को अच्छा लगता है, ये व्हाइट कलर का होता है, हम जब बत्ता खाते हैं उसके साथ खाते हैं। दही, हाँ, क्या बोला जामुदोद, कश्मीरी में? जामुदोद। ब्रिलियंट, डिड यू नो दिस? ऑनेस्ट नो, ऑनेस्ट आई डोंट नो। नो, बट आई थॉट यखनी, क्योंकि वो होती है ना व्हाइट कलर की। बेटे यखनी तो डिश है ना, मैं तो कुछ और बोल रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है? हमें टाइम का भी देखना है ना बेटा, ठीक है? सो आई विल एक्सप्लेन इट ऑफलाइन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। राइट नाउ वी विल जस्ट डू द क्वेश्चंस क्विकली। ओके, सो अगर हमको किसी को बोलना होता है आपकी सेहत अच्छी रहे, ठीक है, तो एक एक वर्ड में कैसे बोलते हैं वो? खुदा थे ने बार बच एक वर्ड है, वो तो बहुत लेकिन सारी बोला आपने होती ठीक, उसका एक एक वर्ड है, उसको बोलते हैं औरजू, ठीक है? ऐसे है। किसी ओह को दिखाते और जू बोलते हैं, और का मतलब वो अच्छा, जू हुआ जो हमारी सेहत है, ठीक है? और जू ऐसे बोलते हैं, और जू कुछ लोग जल्दी जल्दी में बोलते हैं और जू, बट इट्स नॉट और जू, इट इज और जू, ठीक है? ओके और चलो, एक और चीज है, पानी को क्या बोलते हैं? आप या पोई? आब या पोई? तो जो कश्मीरी पंडित है ज्यादातर वो बोलते हैं पोई, और जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम है वो बोलते हैं आब, बट दोनों करेक्ट हैं, दोनों का मतलब वाटर होता है, ठीक है? ओके ओके, चलो बेटा हम एक काम करते हैं, अपने सरप्राइज को बुलाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछूं और थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है? और क्या इंफॉर्मेशन दूं मैं? आपने बादाम वारी का नाम सुना है? बादाम वारी सुना है? नहीं। नो। बादाम का मतलब पता है? हाँ बादाम खाते हैं हम रेगुलरली। हाँ, बादाम यस का वाइट। भी खाते हैं, हलवे में भी डालते हैं, और वैसे भी ड्राई फ्रूट हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। बादाम जो है, बादाम वर, बादाम का मतलब हुआ आलमंड, वर का मतलब होता है कश्मीरी में गार्डन, ठीक है? तो ऐसा ही एक गार्डन, गार्डन। हाँ बादाम का गार्डन, ऐसा ही एक गार्डन श्रीनगर में है जो हारी पर्वत है उसके फुटहिल्स पे है, ठीक है? अब आप लोगों ने नवरे सुना है? नवरे ये लव सॉन्ग आपने, कोई बात नहीं। नवरे जो है, जो कश्मीरी पंडित होते हैं, वो अपना जो न्यू ईयर होता है उनका ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से, उसको नवरे बोलते हैं। उस दिन वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत पहले कश्मीर में जब सब एक साथ रहते थे, तो इस नवरे वाले दिन जब वो हारी पर्वत में अपनी पूजा करते थे, इबादत करते थे, उसके बाद वो इस बादाम वारी में आते थे, ठीक है? और पिकनिक मनाते थे, और जो उनके कश्मीरी मुस्लिम वहां रहते थे वो भी उनको ज्वाइन करते थे इस गार्डन में। तो सब लोग मिलके पिकनिक मनाते थे, वहां जो है स्टॉल्स लगते थे, नदिर मंज, नदिर मंज मालूम है? नदिर हाँ मंज,
लारन, आपको पता है बेटा नदरमुच? हाँ जी हाँ जी, बनाते हैं नदरू, उसका पकोड़ा जैसा बनाते हैं माने लोटस स्टेम। हाँ लोटस स्टेम, ठीक है। हाँ जी पता है। और लुच्ची, लुच्ची के स्टॉल लगते थे वहां। लुच्ची हुई वो बड़ी सी पूड़ी होती है, पतली सी बड़ी सी पूड़ी, बहुत टेस्टी होती है, उसको कहवे के साथ खाओ तो ज्यादा मजा आता है। और क्या बोलते हैं, उस दिन हम चेस्टनट्स खाते थे, गर, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं गर, तो चेस्टनट्स गए होते। हाँ तो वो सब करते थे, हम तो बहुत तो खाते हैं। हाँ वो बहुत अच्छा होता है, जिनको थायराइड वगैरह की भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनको खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है उसके लिए। तो हम दुआ करते हैं, आप लोग जो घर बैठे हमको देख रहे हैं, आप ही दुआ कीजिए कि ऐसे ऐसा वक्त दोबारा हमारे कश्मीर में लौट आए, जब हम सब लोग एक साथ रहें और हम प्यार से ऐसे सारे दिन मनाएं, जिनका वाबस्ता, जिनका कनेक्शन सीधे हमारे कश्मीर से है, हमारी जमीन से है। ठीक है, आप दोनों बच्चे मेरे साथ बोलेंगे गॉड ब्लेस कश्मीर, वन टू गॉड थ्री, गॉड ब्लेस कश्मीर, ब्रिलियंट, ब्लेस कश्मीर। गॉड ब्लेस कश्मीर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, मे देयर बी हैप्पीनेस, पीस एंड लाफ्टर ऑल अराउंड। अच्छा अब क्या बुलाएं, सरप्राइज को बुलाएं? चलिए उससे पहले मैं आप सब देखने वालों को बोलना चाहूं, चलिए बच्चे तो बहुत छोटे हैं, स्मार्ट मगर है तो बच्चे, तो मैं आपसे ये बोलूं कि जो हमारी जमीन है वो बहुत तकलीफ में है, बहुत टाइम से कुछ लोग वहां रहते हैं, कुछ लोग वहां से दूर हैं, लेकिन सब लोगों को जो है अपनी उस जमीन से मोहब्बत है, प्यार करते हैं, और उस जमीन की तरफ अपनी मोहब्बत, अपना गुस्सा, अपना दुख जाहिर करने का उनका अपना एक अंदाज है, और ये हक हम सबको है अपने तरीके से अपनी जो इमोशंस हैं कश्मीर के लिए वो जाहिर करने की। ठीक है, तो आपकी भरपूर तालियों के साथ जो आप घर पे बैठ के बजाएंगे, हम अपने सरप्राइज एलिमेंट को बुलाना चाहेंगे। वो एक सिंगर हैं, गाना गाते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, बहुत यंग हैं, उनका नाम है मीरू रैना, जम्मू में ही पैदा हुए, वहीं बड़े हुए हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आज हमारे लिए कुछ गाएंगे, बड़ी रॉ हम उनकी आवाज सुनेंगे, बिना किसी गाजे बाजे के सुनेंगे उनकी आवाज। तो मुझे 5 सेकंड दें, मैं उनको बुलाऊं। ठीक है, ओके, 1 सेकंड। एक सेकंड जी, मुझे इनको जोड़ने दें, गौरछा में ये तागान, एक जी, एक सेकंड जी, हमने बुलाया है इनको, वेट कर रहे हैं ये कब जुड़ेंगे हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो दीदा। पापा, हेलो हेलो ओके, मेरू बारे उर्जू। ब्रिलियंट, क्या बात है, बोझना आपको क्या आज, हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अरे बच्चों हम तो ताली बजा सकते हैं, बाकी लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे, भैया के लिए ताली बजाओ, ये गाएंगे हमारे। ओके, ये जो सॉन्ग है ये डायरेक्टली डेडिकेट है जो हमारी कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी है उनके लिए है, जो एग्जाइल हमारे साथ 1990 में हुआ था, उस दिन को याद करने के लिए ये गाना है। तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट जो मेन है अंतरा वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून था, आवाम को वतन से इश्क का जुनून था। अब यहाँ कत्ल है, अब वहां खून है, मेरी औलाद मेरे कश्मीर से महरूम है, महरूम है, महरूम है, महरूम है। मेरा कश्मीर सवारा क्यों, जब इसको यूं छड़ना था, खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया।
ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, चाहे कफन का जोड़ा मुझको पहना दे तू, मेरे बच्चे को वो जन्नत वो कश्मीर दिखा दे तू। वो मेरा गुलिस्तान बन गया शमशान, यहाँ मौत की दहलीज पे खड़ा है हर इंसान, खड़ा है हर इंसान। तमन्ना है गुजारिश है, दर्दे दिल की ख्वाहिश है, डूबती कश्ती को दिला दे तू किनारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। थैंक यू। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, कैसा गाया भैया ने? इट वाज थैंक यू सो मच। यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। आई विश जब मैं इतना छोटा था मैं भी इतना स्मार्ट होता, लेकिन मेरा तो देख चारा नहीं। नहीं है, मुझे तो इन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ टाइम स्पेंड करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। तो देख हमको भी कर सकता है वो ज्वाइन, हमको कर सकता है हाँ ज्वाइन, मतलब ऑफर इज ओपन, ये सिखाएंगे हमें। डन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का भी, आप सब लोगों का भी, और वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। मुझे उम्मीद है ये जो छोटा सा मेरा जज्बाती इनिशिएटिव है मेरे दिल के बहुत करीब, ये आप तक हमारी बात पहुंची हो, आप तक हमारा ये एहसास और जज्बात पहुंचा हो, और ऊपर वाला करे हमारे कश्मीर में दोबारा अमन हो, वही खुशहाली हो जिनकी कहानियां हम अपने माँ बाप से अपने बड़ों से सुनते हैं। ठीक है, लसिप वारकार लसिप लसिप, वारकार इंशाल्लाह वारकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने वक्त के लिए। मैं इन दोनों बच्चियों की जो मदर्स हैं उनको बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, उन्होंने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया है, काफी बागडोर थी इस छोटे से सेशन के पीछे, हमने काफी बागडोर की है। ठीक है, असिप बसिप लसिप स्टे असुल, और कोशिश करेंगे कि ये जो एपिसोड है हम यहाँ अपलोड करें, और फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। अश्विन कौशल को, आपकी दिदा को, अपनी दिदा को ऐसे ही दुआएं देते रहिए, प्यार भेजते रहिए, और जो ये खूबसूरत तीन लोग आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं इनको भी अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स भेजिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस बाय यू, दीदा, बाय 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 बेटा, बाय बेटा, बाय बाय, बाय दीदा मासी, बाय 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 जायना, बाय बाय, लारेंगा, बाय बेटा, बाय।